एडवांस में भेजी है। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में अकलती हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म जबर और हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को अगवा बराए निकाह के जरिए जबरन मजहब तब्दील कराने के बढ़ते वाकयात और पाकिस्तान में आजादी सहाफत पर बढ़ती रियासती पाबंदियों को लेकर सहाफती तंजीमों में गम गुस्से की लहर पर खसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बेकाबू माशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जराइम की बढ़ती वारदातों के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ अकलतों में गम गुस्से का गुबार। एआरवाई चैनल पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफियों ने फिर उठाई आवाज। और जराइम पर मजबूर, बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन बेशतर पाकिस्तानी नौजवान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले का और फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अकलती फिरकों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाकयात को लेकर मच रहे हाहाकार का। तश्वीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में अकलती हिंदू फिरके की सबसे ज्यादा आबादी वाले सिंध सूबे में हिंदुओं को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में पेश आया, जहां एक हिंदू नौजवान को फिरका परस्तों की जानिब से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जो जाता है उसके डिस्क्रिप उस पर डाउट शक करते हैं कि ये पाकिस्तानी है, किसी एजेंसी ने तेरे नहीं भेजा हो, वो शक करते हैं। 5-7 साल 8 साल जलील ख्वार करते हैं, उसके बाद जाके उसको बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, नौकरियों में प्रॉब्लम आते हैं, आप जायदाद नहीं खरीद सकते उसमें प्रॉब्लम आते हैं। इल्जाम लगा दिया गया क्योंकि पाकिस्तान में नाम निहाद इस्लामी इंतहा पसंद तंजीमों को जारी रियासती पुष्पनाही की वजह से अकलियती फिरकों की मासूम बच्चियों को डरा धमका कर जबरन मजहब तब्दील कराए जाने के वाकयात अब रोज का मामूल बन चुके हैं। मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर बाद में वो आदमी आया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर जब मैंने शोर किया और मेरे भाई को मारा भी
और फिर मुझे कहा कि अगर फिर मुझे दूसरे दिन कहा अगर तुम हमारे साथ कोर्ट नहीं गई तो हम तुम्हारे भाई को सात मंजिला बिल्डिंग से नीचे। ये बहुत गलत हुआ है और हमारे यहाँ की तो इंसानियत हो ही खत्म चुकी है। आपको अफसोस है इस वाकये पे? बिल्कुल मुझे अफसोस है। और मतलब आप किसी भी लड़की को जबरदस्ती आप कुछ अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो ये आपने सोचा कि आप उसे मार देंगे, ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से कयाम पाकिस्तान से कबल तमाम अकलियती फिरकों को नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क में मुकम्मल मजहबी आजादी बराबरी के हुकूक और तहफ़ देने की यकीन दहानियां कराई गईं, लेकिन 75 बरस का तवील अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान का हुक्मरान तबका अपने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर हर साल 25 दिसंबर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने का दिखावा तो करता है, लेकिन पाकिस्तान में अकलियती फिरकों को मजहबी आज़ादी देना तो दूर, वो उनके खिलाफ जुल्म ज्यादतियों के बढ़ते वाकयात को रोकने की सिंत में मुअसर इकदाम करने में मुसलसल बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में ही नहीं बल्कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक अकलियती फिरकों की नाबालिग लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के बढ़ते वाकयात की पुरजोर मजम्मत हो रही है। हमारा हुकूमत से मुअद्दबाना इल्तिजा है कि इंसानियत के नाम में हमारे हकूक की कदर करते हुए आप इस बेहयाई को बंद करें। ये इससे बड़ी और जलील हरकत कोई काट नहीं सकता कि किसी के घर की नौजवान बच्चियों को उठा के उसे मजहब के नाम में लपेटा जाए। खुदा ताला कभी भी ऐसे मजहब को ऐसी हरकत को कबूल नहीं करता। के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब वो पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी से अजीरन होकर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब बात पाकिस्तान में मीडिया और आजादी सहाफत पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर की। हालांकि पाकिस्तान में हकायक पर मबनी गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने वाले टीवी चैनल्स और सहाफियों की आवाज को खामोश करने के लिए तानाशाही हरबे अख्तियार करना पुराना दस्तूर रहा है, लेकिन तश्वीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की दुहाई देने वाली दर्जन भर सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत में टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है और पाकिस्तानी सहाफियों को इजहार राय की आजादी के बुनियादी हक से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं।
पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की जानिब से मीडिया का गला घोंटने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा हो चुकी है। यही वजह है कि PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सहाफी बिरादरी ने एक बार फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये सच्चाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब पर स्याह परचम और एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाजे हो जाती है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के मीडिया के इदारों को पाकिस्तान के दीगर इदारों से लड़ाने की कोशिशों और साजिशों पर मुलव्वस है। बराह रास्त ARY को अटैक किया जा रहा है। ARY से ज्यादा वफादार कौन इस मुल्क में है जो उसको उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। ये सारी बदमाशी है नून लीग हुकूमत की। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के लाहौर प्रेस क्लब पर। सरापा एहतजाज सहाफियों ने शहबाज शरीफ की हुकूमत खुसूसन पेमरा की जानिब से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खबरें नश्र करने पर निजी चैनल ARY पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज करने और उसकी नशरियात पर पाबंदी लगाए जाने पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया और हुकूमती पाबंदी को मीडिया की आजादी पर हमला बताया। हमारे इकट्ठे होने का सिर्फ एक मकसद है, हम गद्दार नहीं हैं। हमारा खून, हमारी सांस, हमारी आंखें, हमारी जुबान इस पाकिस्तान के लिए है, अफवाज पाकिस्तान के लिए है। इस पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, अपनी अफवाज के लिए एक मन मिटेंगे, मगर हम किसी सियासी कुव्वत के आगे झुके नहीं, झुकेंगे नहीं और कभी नहीं झुकेंगे। हम ARY की बंदिश के जो है वो शदीद उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो किसी एक इंफरादी शख्स का जो जुर्म है, जो बात है, उसको आप वो इंस्टीट्यूशनलाइज ना करें। ARY एक बड़ा अदारा है, वहाँ पर हजारों मीडिया वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, उनका रोजगार का जो है वो इशू बनेगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, एक इंडिविजुअल केस को वो इंस्टीट्यूशनलाइज करके अपने जो एक असल जो उन्होंने जो अपनी अपना एक गुस्सा निकालना है वो अदारे पर ना निकाले, क्योंकि किसी एक अदारे की बंदिश को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तमाम अदारों पर और आजादी इजहार राय पर, आजादी सहावत पर हमला कर देती है। ये सच्चाई है कि पेमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ARY चैनल की नशरियात पर पाबंदी महज इसलिए नाफिज की क्योंकि ARY चैनल पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी PTI के लीडर शहबाज गिल की फौज के खिलाफ तकरीर नश्र की गई। लिहाजा PTI के लीडर शहबाज गिल को ही बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि ARY की नशरियात पर भी पाबंदी लगा दी गई। यही वजह रही कि PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ARY पर पेमरा की पाबंदी को पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही के खिलाफ जारी अपनी सियासी तहरीक को सबोताज करने की साजिश बताते रहे। इनका ख्याल ये है कि सख्ती करो, ARY के ऊपर सख्ती कर दी है, सोचे चैनल को उसका उसको बैन कर दिया है। अब उसका क्या कसूर है? वो प्लान ये है कि कोई जो मेरी आवाज हो वो बंद की जाए। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची के और कराची में प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज ARY चैनल से वाबस्ता सहाफी और दीगर मुलाजमीन PFUJ समेत पाकिस्तान की दीगर सहाफती तंजीमों के मुश्तरका बैनर तले मुनक्किदा एहतजाज में शरीक सहाफियों ने ARY चैनल की नशरियात की फिल फॉर बहाली और चीफ न्यूज एडिटर अम्माद यूसुफ को गद्दारी के केस से बरी करने की मांग की क्योंकि ARY चैनल से सैकड़ों मुलाजमीन की रोजी रोटी जुड़ी हुई है।
अल्फाज के अंदर इनकी हिस्ट्री ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर शाम को चलने वाले पांच रोजनामे बंद किए थे, लाखों अफराद मुतासर हुए थे और उन्होंने इस प्रैक्टिस को रिव्यू किया है और उसी प्रैक्टिस के ऊपर आए कि जो बात हम कहें उसको आप ऑनियन करें, जिस बात को हम रोकना चाहें उससे आप रुक जाएं। लेकिन ये हो नहीं सकता, हम रियासत का पांचवा सतून आजादी इजहार राय के साथ साथ हम जो बुनियादी फंक्शन अदा करते हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली, आइन और दस्तूर को बरकरार रखना, इन तमाम चीज़ों को हम साथ लेकर चलते हैं, उसके साथ साथ हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप जितना रोकेंगे हम उतनी शिद्दत से आगे आएंगे। हाकिम वक्त सुन ले और जो जिम्मेदार है वो भी सुन ले और बहुत अच्छी तरह से सुन ले कि हम ARY को पाबंद सलासल नहीं होने देंगे। अदालत में भी जाएंगे, सड़क पर भी जाएंगे, कहीं घेराव करना पड़ा तो घेराव भी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ARY की बंदिश जो है वो सेठों का और हुकूमत का टकराव नहीं है जनाब। ARY की बंदिश का मतलब है 4,500 से जायद मीडिया वर्करों के मुआशी कत्लेआम का मामला। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की बालादस्ती के दस्तूर की वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाने की साजिशें की जाती रहीं और इन साजिशों के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफी एहतजाज भी करते रहे। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती तब्दील के बाद से इमरान खान की पार्टी PTI की हामी TV चैनल्स और सहाफियों को चुन चुन कर रियासती जुल्म जबर का निशाना बनाया जा रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के लाहौर शहर में निजी TV चैनल दुनिया से जुड़े मारूफ सियासी तज़ियाकार अयाज अमीर पर हमला हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल सीनियर एंकर इमरान रियाज खान को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके खौफो हिरासा किया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान को आज़ादी सहाफत के एतबार से दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क माना जा रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जराइम में मुलव्वस पाकिस्तानी नौजवान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पंजाब सूबे की मुल्तान में वाक़े इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PML नून के कारकुनों के दरमियान जमकर हाथापाई हुई, जिसके नतीजे में दोनों पार्टियों के कई कारकुन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दोनों पार्टियों के कारकुनों के बीच ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब PTI और PML नून के कारकुनान आखिरी दिन नामजदगी कागजात जमा कराने गए थे। पुलिस ने PML नून और PTI के तकरीबन 2 दर्जन कारकुनों और PML नून के लीडर तारिक रशीद और PTI के साबिक MPA आमिर डोगर को उनकी रिहायशगाह पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। तसादुम के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। कंगाली के दहाने पर खड़ी पाकिस्तान हुकूमत को तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF से मदद की गुहार लगा रही है लेकिन फिलहाल मदद मिलने के कोई मनाजर दिखाई नहीं दे रहे हैं। काबिले गौर है कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी ऑयल इंडस्ट्री को बोहरान का शिकार होना पड़ रहा है। ऑयल इंडस्ट्री पर ताला लगने का मतलब होगा पाकिस्तान की बची होशी मईशत के परखच्चे हो जाना। जदीदियत के इस दौर में जहां एक तरफ खवातीन तरक्की की बुलंदियों को छू रही हैं, वहीं पाकिस्तान में खवातीन की अस्मतरी का सिलसिला उरूज पर है। इसकी ताज़ा मिसाल है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े F9 पार्क में दो अफराद की जानिब से बंदूक की नोक पर खातून को इज्तिमाई अस्मतरी का शिकार बनाना। इस मामले को उस वक्त अंजाम दिया जब खातून अपनी एक दोस्त के साथ पार्क में टहल रही थी, तभी दो लोग पार्क में आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी में मसाइल रोजमर्रा का मामूल बन चुकी है जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इसकी ताज़ा मिसाल है बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में वाक़े प्रेस क्लब के बाहर सुई सदन गैस के मुलाजिमों की जानिब से किया जा रहा एहतजाज। इस एहतजाज की वजह रही वेतन में इजाफे का मुतालबा।
मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से साल 2018 से उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसके बावजूद वो अपने फर्ज को अंजाम देते रहे, लेकिन बढ़ती महंगाई ने अब उनका सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस फराहमी की बदतरीन सूरत हाल और लोड शेडिंग के खिलाफ मकामी बाशिंदों की जानिब से जमकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने इस दौरान रोड ब्लॉक कर टायर जलाते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके अलावा सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मुजाहरीन में काफी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान में हुकूमती बदनवानियों की वजह से तकरीबन हर सरकारी इदारा माली खस्ताहाली का शिकार है, लेकिन तवील अरसे से खस्ताहाली से जूझ रहे पाकिस्तान का रेलवे महकमा पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है। महकमा रेलवे को लाइन पर लाने के लिए हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे महकमा ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 8% का इजाफा कर दिया है। काबिल गौर है कि यह इजाफा ग्रीन लाइन पर लागू नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सीनियर अफसर को तलब करके कोविड 19 के फंड में हुई करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ डिपार्टमेंट के आला तरीन अफसरान पर बदउनवानी में मुलव्वस होने के सबूत मिलने की वजह से इसे तहकीकाती अमल में लाया गया है, जिसमें कोरोना टेस्ट, हिफाजती किट, दवाओं और मशीनरी की खरीदारी शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान साबिक ADG हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिना को नैब की जानिब से बनाई कमेटी का हिस्सा बनाया गया था और उन्हीं की देखरेख में सामान की खरीदो फरोख्त हो रही थी। आखिर में बात पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जराइम के बढ़ते वाकयात की और इन वाकयात को लेकर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश की। सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में जराइम की बेशतर वारदातों में तालीम याफ्ता नौजवानों का मुलव्वस होना माना जा रहा है। इस सिलसिले में पेश है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर और इंसानी हकूक कारकुन एडवोकेट काजी जावेद के साथ खसूसी मुलाकात पर मबनी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बदहाली और महंगाई में मुसलसल इजाफे की वजह से रोजी रोटी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान में बरसर इख्तदार हुकुमरान जमातें मुआशी हालात पर काबू पाने के खोखले दावे कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पहले पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की 3.5 वर्षों की हुकूमत में बदउनवानियों और तानाशाही पॉलिसियों की वजह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती रही, लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत और टैक्सों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा करके गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। नतीजतन पाकिस्तान में लाकानूनियत और जराइम की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची और लाहौर जैसे कारोबारी शहरों से लेकर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में दिन दहाड़े लूटमार, राहजनी और टारगेट किलिंग की वारदातें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची में बढ़ते हुए जराइम की बेसिक वजह जो है, एक तो मैं समझता हूँ तालीम की कमी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा महंगाई और ये और घरेलू नाचाकी, जो महंगाई की वजह से हर घर में जो झगड़े होते हैं उनकी वजह से ये सारे ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जिस हिसाब से हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है गुज़श्ता कुछ अरसे से, वो किसी के लिए भी मुतासर तबके तक किसी के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है और हर शख्स उससे बेहद मुतासर है और हुकूमत उस पर कोई तवज्जो दे नहीं सक रही या हुकूमत के बस में नहीं है कि इस पर कंट्रोल करे और महंगाई को कम करे। लेकिन एट द सेम टाइम देखते हैं कि जो हुकूमती एहलकार हैं या हुकूमती अहदेदार हैं उनके पास अरबों रुपया है, जो वो इलेक्शन में हालिया इलेक्शन में उनका नज़र आया, और एज कंपेयर टू दैट आम लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। बेसिक चीज़ तो बेरोजगारी ही है ये इन जराइम में इजाफे की, क्योंकि हर आदमी जो जवान लड़का है कोई मिसाल के तौर पे, उसको अपनी ज़रूरियात भी होती हैं, उसको कोई फैमिली सपोर्ट भी उसने देनी होती है, बहन भाई माँ बाप, और उसके पास कोई
मुलाजमत नहीं होती, कोई कारोबार नहीं होता, उसके पास सरमाया नहीं होता, तो उसके पास और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि वो जराइम में मुलव्वस हो और मोबाइल छीने या चोरी चुकारी करे या डकैती मारे। एक तो इखलाकियात, कहीं मसलन हमारे मस्जिद का इमाम भी अगर जुम्मे के खुतबे में या स्कूल का टीचर ही भी क्लास में अगर इखलाकियात का दर्स दे और जुर्म और नेकी के दरमियान में और हराम और हलाल के दरमियान में तफरीक समझाए बच्चों को, तो शायद नए जराइम पेशा लोग नहीं बढ़े, लेकिन मौजूदा लोगों के जराइम कम करने के लिए ज़रूरी है कि रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ और महंगाई को कम किया जाए। जुराइम में पुलिस भी बराबर की हिस्सेदार है, मुजरिम और मुलजिम के साथ साथ पुलिस भी हमारे मुल्क में जुराइम के अंदर बहुत मुलव्वस है, और जब भी कोई जुर्म देखें तो उसमें बेसिक कहीं ना कहीं मसलन ज़मीनों पे कब्जे या किसी आदमी को पकड़ लेना बिला वजह और उससे पैसे निकालना, और इसकी मिसालें आए दिन हमें रोड पे नज़र आती हैं कि गरीब मोटर बाइक वाला जा रहा है या सुजुकी वाला अंडे भी लेके जा रहा है तो उसको पुलिस वाला रोक के उससे पैसे निकालेगा। तो जुराइम में बहुत सारा हिस्सा खुद पुलिस का भी है। हमारे मुल्क में हमारे कवानीन में ये है कि लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने लिबर्टी का हक हर शहरी को दिया है, और किसी की भी लिबर्टी छीन लेना, चाहे एक दिन के लिए हो, एक घंटे के लिए हो या एक साल के लिए हो, वो एक काबिले सजा जुर्म है, क्योंकि जिस शख्स को आपने पकड़ा है और उसको आपने बंद किया है और वो सालों साल मुकदमे चलते रहे और आखिर में वो उसको फरी कर दिया गया या कहा गया कि इसने नहीं, तो उसका ये राइट है कि मुतलका अदारा मसलन पुलिस ने या किसी और ने, नैब ने या किसी ने भी अगर उसको इन्वॉल्व किया ऐसे किसी ऑफेंस में जो झूठा साबित हुआ, तो वो उस पर डैमेजेस का केस कर सकता है और अदालत से हर्जाना तलब कर सकता है। ये मुल्की कानून में मौजूद है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तालीम की कमी है। ये थे इंसानी हकूक कारकुन एडवोकेट काजी जावेद, जो पाकिस्तानी नौजवानों के जराइम में मुलव्वस होने की वजूहात पर रोशनी डाल रहे थे। बहरहाल आखिर में वक्त है, सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।